हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C50 फ़ोन है, तो पोको C50 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं पोको C50 फ़ोन में, और कैसे आप रिफ्रेश रेट वगैरह को शो कर सकते हैं डिस्प्ले पे। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट को कैसे चेंज करें और शो करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली जैसे सेटिंग्स आपके फ़ोन में शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्च करते ही सेटिंग्स आ जाएगी, और जो भी रिफ्रेश रेट वगैरह आप शो करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा जो भी रिफ्रेश रेट आपके फ़ोन में शो हो रहा होगा। सिंपली जैसे ऑन करते हैं तो रिफ्रेश रेट आपके फ़ोन डिस्प्ले पे आ जाएगा, देखते हैं कि आ चुका है रेड ऑप्शन में 60 हर्ट्ज़ के रूप में। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये शायद में शो हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को शो कर सकते हैं, और साथ में इसको आप ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी आप कर सकते हैं, सिंपली टैप करके ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को शो कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाना होगा। डिस्प्ले सेटिंग्स पर अगर आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट शो हो रहा है तो आप डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर भी रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं, और साथ में आपके पास और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऑटो रोटेट स्क्रीन, इसके जरिए स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं, या टेक्स्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो इस तरीके से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं पोको C50 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।